कोरोना के इस दौर में जब रोजगार पर गहरा संकट मंडरा रहा है, ऐसे में शिमला का एक किसान सालाना लाखों की कमाई कर खेती की नई तकनीक से दुनिया को रूबरू करवा रहा है। नकदी खेती का सही तरीका और इससे आमदनी में सही इजाफा शिमला के शलोक गांव के किसान नंदलाल वर्मा को अच्छे से पता है। शायद इसीलिए किसान नंदलाल महामारी के इस दौर में भी अपनी 10 बीघा सिंचाई योग्य जमीन से सालाना करीब 6 लाख रुपए तक की आमदनी करते हैं। लेकिन नंदलाल वर्मा आखिर ये करते कैसे हैं? नंदलाल वर्मा ने बताया कि वो खेती में तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कृषि विभाग की मदद से उन्होंने पॉली हाउस लगाया, जिसमें उन्हें 80% तक सब्सिडी मिली। सिंचाई के लिए उन्होंने एक 50,000 लीटर का टैंक बनाया और इसमें भी 70,000 रुपए की सब्सिडी मिली। नंदलाल वर्मा ने अपनी ज़मीन पर शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी और आलू की फसल लगा रखी है। साल में अलग अलग फसलें उगाकर किसान नंदलाल वर्मा सालाना करीब 6 लाख रुपए तक की आमदनी करते हैं। इसके अलावा नंदलाल वर्मा ने खुमानी, आड़ू, पलम, नाशपति, स्ट्रॉबेरी, अंजीर और सेब के भी पौधे लगा रखे हैं। किसान नंदलाल वर्मा शिमला के शोघी की थड़ी पंचायत से आते हैं। उनके गांव का नाम शलोग है और खेती की अपनी उन्नत तकनीक से नंदलाल वर्मा आसपास के गांवों के बाकी किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। तो हमारी ऑन एन एवरेज 6 लाख से ऊपर की कमाई हो जाती है डिफरेंट फसल से। जैसे इस टाइम शिमला मिर्च है, टमाटर लगे हुए हैं, आलू लगे हुए हैं, मटर लगी है, गोभी लगी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम में होती है, हमारा टाइम भी इसमें बढ़िया गुजर जाता है। सब्सिडी हर बारी, जैसे आलू लिए बीज के लिए वो भी 50% पे, और पॉली हाउस लिया वो 80-20 की सब्सिडी में। हम इस टाइम मेरे गोभी के खेत में खड़े हैं और मेरे पास लगभग 10 बीघे इरीगेटेड ज़मीन है, जिसमें हम भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। और ये सरकार से हमें अनुदान राशि मिलके हमने सिंचाई व्यवस्था की। किसान नंदलाल वर्मा बताते हैं कि उनका मकसद पूरे साल खेती कर आमदनी पक्की करना है। सिर्फ एक सीजन में खेती करने के बाद अपनी सीमित आमदनी के चलते उन्होंने खेती की नई तकनीक को अपनाया। पारंपरिक खेती से हटकर खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया और आज वो अपनी खेती से हर साल 6 लाख रुपयों से भी ज्यादा की आमदनी करते हैं। और खेती से होने वाली ये लाखों की कमाई नंदलाल वर्मा को पूरे इलाके में न सिर्फ लोकप्रियता दे रही है, बल्कि साथ ही बाकी किसान उनसे खेती के नए नए नुस्खे भी सीख रहे हैं और उन नुस्खों को आजमा कर अपनी खेती से होने वाली आमदनी में इजाफा कर रहे हैं।